जी हाँ नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को ललकारा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को रोहतक में प्रेस वार्ता पर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक का वोट रद्द हुआ। किस विधायक के प्रदेश प्रभारी वे अधिकृत एजेंट विवेक बंसल। हुड्डा ने अभय चौटाला और बलराज कुंडू के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। कुलदीप बिश्नोई के सवाल पर भूपेंद्र हुड्डा ने पद से इस्तीफा देकर किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अगर विधायक पद लेना चाहते हैं तो वो पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक पद से इस्तीफा दें, फिर दोबारा आदमपुर हल्के से चुनाव लड़कर दिखाएं। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हार का सामना करना पड़ चुका है। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने तो खुलकर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ ही वोट डाला, जबकि कांग्रेस का एक वोट रद्द हुआ। इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जांच का विषय है कि जानबूझकर गलत वोट डाला या फिर अनजाने में गलती हुई, इसलिए पार्टी इस मामले की जांच कर रही है। हुड्डा ने स्वीकार किया कि प्रजातंत्र में एक वोट रद्द होने की वजह से उनकी ये हार हुई है। वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा बिश्नोई इस्तीफा देकर किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।